उसी जल से उसी दूध से भोलेनाथ का विशेष अभिषेक करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं, तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ठीक नहीं है, आत्मविश्वास में कमी होगी, मन अशांत रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें छोटी मोटी बाधा परेशानी उत्पन्न होते रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी दिन ठीक नहीं दिखाई पा रहा, प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा नहीं माना जाएगा, हर मामले में छोटी मोटी परेशानियां रुकावटें उत्पन्न होती रहेंगी, कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को भी बहुत सजग सचेत रहने की आवश्यकता है, दिन अच्छा नहीं है और आर्थिक पक्ष भी मैं आपका बहुत मजबूत नहीं देख रहा हूँ, आर्थिक रूप से आज का दिन आपको परेशानी में डालने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सचेत रहना है, बॉस से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद परेशानी होते दिखाई पड़ रही है, बहस और विवाद से इतना हो सके दूर रहना है आपको, तो ही जीवन साथ के साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना इसके दिन ठीक नहीं है, परेशानी में पड़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, यूं कहिए कि मिला जुला रहने वाला है, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो मेहनत ज्यादा करिए। लकीन का एक लकी कलर आपके यहाँ सफेद है, सभी वृषभ राशि के जातक भोलेनाथ पर आज घी अर्पित करें, थोड़ा सा घी पिघला करके ले लीजिए और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, निवेश आपको नहीं करना। मिथुन के जातकों की बात करें तो ठीक है दिन आपके लिए, हालांकि दाम्पत्य के लिए सुखद नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में ऐसे देखें तो आपका दिन ठीक है, उदार मन से आगे बढ़िए तभी आपकी परेशानियां दूर होंगी। छोटे मोटे स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी, जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के विवाद कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है अहंकार का त्याग, सबसे जरूरी है सौम्य होकर के सबके साथ घुल जाना, मिल जाना, केवल अपनी नहीं औरों की बातों को भी महत्व देना, सबकी मदद करिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन ठीक ठीक ही है, उच्चाधिकारी जो भी है उनसे आपको मदद मिलेगी, जो भी आपके अधूरे काम है उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, हालांकि लाभ है पर अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, झूठ बोलने से आपको बचना होगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है, इस पर विचार कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है, जीवन साथी से थोड़ा सा संबंध मधुर बनाकर रखिएगा, जीवन साथी के शक का शिकार होंगे और विद्यार्थी मेहनत करने से न चुके तो दिन ठीक है। स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान करेगा तो सचेत रहिएगा। लकीन का एक लकी कलर आपके आज पीला है। सभी मिथुन राशि के जातक आज भोलेनाथ का अभिषेक पंचामृत से करें, याद रखिए सावन का अंतिम सोमवार है ये, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, हर तरह से भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। कर्क के जातकों की बात करें तो जो भी जरूरी आपके काम है वो आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक है आपका, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, व्यापार में फायदा मिलेगा, कोई बड़ा कदम उठाने के लिए दिन अनुकूल है। जीवन साथी के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ संबंध इन दोनों को संभाल लीजिए, बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, नया वाहन खरीदने का मन बना रहे खरीदिए। व्यापारियों के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, व्यापार में सफलता मिलने वाली है, व्यापार से संबंधित नए अवसर मिलने वाले हैं, आमदनी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है, पैसे के मामले में भी कहीं कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। मन की जो भावना है वो हर किसी से शेयर मत करिए, करना जरूरी है तो जीवन साथी से करिए। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन को ठीक कहूंगा, प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध, आज इसके अपने पेरेंट्स से विशेषकर पिता से बात करिए, अच्छा रिजल्ट आ सकता है। उग्रता के बावजूद आज का दिन आगे चलकर के रिजल्ट इसका दिलाएगा। विद्यार्थियों की बात करो तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, सफलता तब जाकर के मिलेगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी संभव है, स्वास्थ्य को लेकर के आप जरा सचेत रहिएगा। लकीन का आपके लिए दो लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, और सभी कर्क राशि के जातक आज भोलेनाथ का अभिषेक करें अनार के रस से, उनकी कृपा है तो, मां लक्ष्मी की कृपा है तो। सुम्भ के जातकों की बात कर ले तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, संघर्ष करिए और बेहद अलग ढंग से करिए, आज अपनी महत्वाकांक्षा को कम मत होने दीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा को चरम पर पहुंचाइए, सफलता है, ऋण मिलेगा चाहिए तो, और काम बनेंगे, जिम्मेदारियां आपकी पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति में चंद्रमा का परिवर्तन आपके पक्ष में है, हर तरह से दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में मेहनत से पीछे मत हटिए, दिन रिजल्ट अच्छा देकर के जाएगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में अच्छा है दिन, अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी काम है वो काम पूरा होगा, किसी को पैसा बस उधार नहीं देना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, संबंध में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, सहयोग मिलेगा, विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, तो जबरदस्त सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, गैस फैसिलिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। लकीन को दो लकी कलर आपके लिए सफेद है। सभी सिंह राशि के जातक आज गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें, श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, भोलेनाथ की कृपा आपको मिले, गन्ने के रस से अभिषेक करिए। कन्या के जातकों को
थोड़ा सावधान रहना होगा। दिन खराब नहीं, थोड़ी चिंता रहेगी संतान पक्ष से, प्रेम संबंध में परेशानी है, किया हुआ वादा वक्त पर पूरा न कर पाने के कारण आज प्रतिपक्ष यानी जिससे आपने वादा किया था वो आपको थोड़ा जलील भी करेगा, या यूं समझ लें कि उसके चलते आपको परेशान होना पड़ेगा, संतान के कारण भी परेशानी आएगी, तो सावधानी जरूरी है। योजना बना करके काम करिएगा और आलस से जितना हो सके बचे रहिएगा। सुनी सुनाई बात में मत आइए, चिकनी चुपड़ी बातों में तो बिल्कुल ही मत आइए, आज धोखा मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा परंतु सावधानी के साथ काम करना है, योजनाबद्ध ढंग से काम करना है, बहुत सोच विचार करके काम करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है किसी से कोई वादा मत करें तो फंसना तो तय समझिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों को भी मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और आलस से थकान की स्थिति दिखाई पड़े, मन परेशान रहेगा, स्वास्थ्य में भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आपके, लकी अंक एक, लकी कलर आपके आज सफेद है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर गंगा जल अर्पित करिए, मन शांत हो, आपकी परेशानी दूर हो, इसके लिए भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अर्पित करिए, निवेश इत्यादि आप ना करें। तुला के जातकों की बात करते हैं, गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी कोई बहुत खास नहीं है। सूर्य चंद्रमा की राशि परिवर्तन के बाद परेशानियां दिखाई पड़े, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, खुद पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, एकाग्र रखिए अपने आप को, मन को नियंत्रण में रखिए, कार्य बाधित होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे जरूरी मूल मंत्र क्या है, परिवार के सदस्यों की बात को मानना, किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की सुनिए, उनसे सलाह मशवरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा बहुत अच्छा नहीं है, व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी आपको सचेत रहना चाहिए, मैं निवेश ना करने की सलाह देता हूँ। और सबसे जरूरी बात जिसे मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, परिवार के सदस्य, दोस्त, संतति, इनकी बात को मानिए, काटिए मत, उस पर विचार करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, यहाँ भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, भावनाओं पर भी अपने नियंत्रण रखना है, बोलने से पहले बड़ा सोचना है, और मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको परेशान होना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए पीला है। आज शिवलिंग पर शहद जाकर के अर्पित करिए, शहद से ही अभिषेक करिए भोलेनाथ की, फायदा मिलेगा, निवेश मत करिए। वृश्चिक जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, गजब का आत्मविश्वास, हिम्मत, सफलता तय है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है, जो भी आपके सहयोगी हैं समर्थन देंगे। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है, विपरीत का भी साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे, उच्चाधिकारी हो या नीचे के लोग, सब आपके समर्थन में है। व्यापारियों को भी व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला, फायदे की स्थिति है। आर्थिक रूप से मैं आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूँ। आज का काम आप आज ही निपटाने में लगिए, कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है, परंतु एक मूल मंत्र है, और आज की बात कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। और आपकी आपका स्वभाव या सामने वाले को नीचा दिखाने के वृत्ति के चलते आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, यहाँ भी आपको सचेत रहना है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, किसी न किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरूर ध्यान रखिए। वैसे मैं आपको एक बात फिर दोहरा दूं, वृश्चिक राशि के जातकों के दिन बहुत अच्छा है, अगर आप शांति से चलें तो आराम से आपके सारे काम बन जाएंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून, भोलेनाथ की आराधना करिए, जल में थोड़ा इत्र मिलाइए, और इत्र मिला करके उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, ताकि जीवन में सुख, ऐश्वर्य, सौंदर्य की वृद्धि हो, निवेश आप करिए। धनु के जातकों को बस थोड़ा नियंत्रण रखना है वाणी पर, दिन अच्छा है, पहल करिए, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं जरूर उठाइए, और एक बार आपने आत्मविश्वास के साथ कदम जो आगे बढ़ाया तो आप किसी भी तरह की कठिनाई और समस्या को आसानी से खत्म कर लेंगे। एकाग्र होकर के आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं, नया वाहन खरीदने की योजना या मन बना रहे हैं करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल कहूंगा, और व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला, सफलता मिलेगी, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश के ही फील्ड से या मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप तो आज का दिन आपको जबरदस्त फायदा दिलाना, कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है, लाभ होने वाला है। सत्य बोलिए, पर आज ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके विरुद्ध हो जाए, तो कुल मिलाकर के जानना है आपको कि वाणी पर नियंत्रण आज बहुत जरूरी है, संयम जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आपका मैं सुखमय देख रहा हूँ, और प्रेमियों की यदि बात की जाए तो प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। और आज धनुराशि के जातक आपके लिए लकी अंक 3 है, लकी कलर आपके आज पिंक है,
निवेश आप कर सकते हैं भोलेनाथ के ऊपर दही चढ़ाइए। कैसे? दही ले लीजिए पात्र में और भोलेनाथ के ऊपर जैसे दूध अर्पित करते हैं अभिषेक के लिए, वैसे दही से भोलेनाथ का अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। मकर के जातकों को सावधानी बरतनी है, कार्य क्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है, सोचे हुए कार्यों में बाधा किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा और हर कार्य में छोटी मोटी बाधा होने के कारण कार्य वक्त पर पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ही परिवार का भी जो उचित सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा, नौकरी में जो पदोन्नति आपकी हो सकती थी वो बाधित होते दिखाई पड़ रही है। हालांकि किसी पुराने दोस्त इत्यादि से मुलाकात करना है तो कर सकते हैं, उस मामले में दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन को बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा, कोई बड़ा निवेश इत्यादि बिल्कुल ना करें और सबसे जरूरी बात है बहुत सावधान रहें, हर मामले में सावधानी जरूरी है। सावधानी के साथ काम करेंगे तो तभी दिन ठीक है। बहस विवाद एकदम नहीं करना, आज जहां भी आपने बहस विवाद किया समझ लीजिए वो रिश्ता खत्म। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, सचेत रहिए। विद्यार्थियों की बात की जाए तो आज का दिन कोई बहुत खास नहीं दिखाई पड़ रहा, मन पढ़ाई से में नहीं ही लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है और सिर दर्द की भी शिकायत है, जिन लोगों को बुखार इत्यादि की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आपके लिए पीला। निवेश नहीं करना और दूध में केसर मिला करके उसी दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, भोलेनाथ की कृपा होगी, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस मत पड़िए, सारा काम इसी से बिगड़ने वाला है, बहुत सचेत रहिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, दिए गए सुझावों का सम्मान करिए, सबका सम्मान करिए, किसी से भी विवाद नहीं करना है, जो आपके अधीनस्थ है उनका भी सम्मान करिए, किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, यात्रा आपकी लाभप्रद नहीं है। यानी कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है, परिणाम बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, कोई भी बड़ा निवेश आपको मुसीबत में डालेगा, किसी को धन उधार मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखिए, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए, और बात विद्यार्थियों की करें तो दिन वैसे ठीक है पर करियर में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, जरूरत पड़ने पर सहयोग चाहिए आपको, यानी ऐसा नहीं कि सब काम आप खुद ही कर लेंगे, सहयोग लीजिए तभी आपके काम बनेंगे। खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, खान पान के कारण भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, नींद की कमी और बेचैनी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर हल्का।